मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली के अवसर पर अपने आवास परिसर से रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से यह न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को दुर्ग जिले में पाटन ब्लॉक से करसा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ दुर्ग जिले के महिला बाल विकास विभाग के 8 सेक्टरों में भ्रमण करेगा। यह रथ प्रत्येक सेक्टरों में 2 दिन भ्रमण करेगा। रथ के शुभारंभ के पहले दिन मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम करसा जामगांव एम अमलेश्वर में महिलाओं को जागरूक किया। महतारी न्याय रथ तेलीगुंडरा असोगा रानी तराई और झीट में महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों से जागरूक कर रहा है। इसी तरह कल दरबारम खोली जामगांव और गाड़ाडीह में सेलूत में महिलाओं को जागरूक करेगा। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा राज्य महिला आयोग के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। यह रथ सभी जिलों के गांव-गांव तक भ्रमण कर लोगों को शॉर्ट फिल्में संदेशों और ब्रोशर के माध्यम से महिलाओं के कानूनी प्रावधानों और उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में अवगत कराएगा। प्रथम चरण में रथ प्रदेश के 9 जिलों में जाएगा। इसकी शुरुआत दुर्ग जिले से होगी। इस अभियान के तहत महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता भी दी जाएगी। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि शिक्षित अशिक्षित गृहिणी नौकरी कर रही सभी महिलाओं को महिला आयोग के कार्यों के और महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों नियमों और उनके अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हरेली तिहार से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की शुरुआत हुई है। महतारी न्याय रथ के माध्यम से बताया जाएगा कि महिलाएं अपनी समस्याओं के समाधान और निःशुल्क तथा त्वरित न्याय पाने के लिए महिला आयोग में किस तरह आवेदन कर सकती है। बहुत सारे सवाल आपने पूछे हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। जो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया पूरे प्रदेश के लिए, और चूंकि हमारे पास 9 जिलों से DMF का फंड आया है जिसकी अनुमति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, तो इन 9 जिलों के लिए सबसे पहले फंड आया था दुर्ग जिले से, इसलिए दुर्ग जिले से इसकी दोबारा लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल किया ग्राम करसा पाटन में, और उसके बाद 3 जगहों पर इस रथ का प्रदर्शन हुआ। एक था जामगांव एम और एक अमलेश्वर और एक करसा पाटन, और आज 4 जगहों पर जा रहा है। तो ये पूरा दुर्ग जिला जो है लगभग 8 सेक्टर में बटा हुआ है, हर सेक्टर में 2 दिन जा रहा है, और 2 दिन में लगभग 8 से 9 बार इसका प्रदर्शन होगा, जैसे जहाँ डिमांड होगी उसके हिसाब से। फिर भी हमारा रूट प्लान बना हुआ है, तो अभी आज 2रा दिन है पाटन में, 2 दिन और हैं, इसके बाद बाकी क्षेत्रों में निकलेगा, तो पूरी हमारी तैयारी हो चुकी है। और इसमें हमने महिला आयोग कैसे काम करता है इसकी एक शॉर्ट मूवी बनाई है जो आप लोगों को अभी हमने दिखाई है, और इससे लोगों में एक अवेयरनेस आएगा कि आयोग में आने से कैसे उनको निःशुल्क न्याय मिलता है, कैसे वो बिना वकील के यहाँ आवेदन कर सकते हैं, और कैसे उनके प्रकरण में कार्रवाई होती है, ये हमने दिखाने की कोशिश किया है। और इसमें हम माननीय न्यायाधीश जस्टिस गौतम भादुड़ी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें राष्ट्रीय स्तर पर चयनित और पुरस्कृत विधिक फिल्मों को दिखाने की अनुमति दी, और सालसा ने हमें वो सारी मूवीज़ दिलाई हैं, तो उन्हीं मूवीज़ का हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी लगभग 10 मूवी का हमने सिलेक्शन किया है, जो टोनी प्रताड़ना, भ्रूण हत्या, नशा मुक्ति, मानव तस्करी, साइबर क्राइम, पास्को एक्ट, गुड टच बैड टच, घरेलू हिंसा, प्रसवपुर लिंग परीक्षण, बंधवा मजदूर और अवयस्क लड़कियां जो घर से भाग जाती हैं, ये इन जैसी जो फिल्में हैं उनका यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी के तरीके से अब ये रथ पूरे प्रदेश में जाने के लिए तैयार है। अन्य जिलों से भी जिला कलेक्टर के माध्यम से हमारे पास DMF की राशि आएगी, तो हम इन रथ की संख्या बढ़ाएंगे भविष्य में, और जब रथ की संख्या बढ़ेगी फिर आपको जानकारी देंगे। इसमें क्या सब जगह मेरा पर्सनली जाना संभव नहीं है, वहाँ से हमने एक शिकायत पेटी की व्यवस्था करी है, और उनको आवेदन का फॉर्मेट भी हम देंगे, और उनके जो आवेदन आएंगे वो रजिस्टर होगा, क्योंकि वो हम ऑन स्पॉट फैसला ऐसा नहीं कर सकते जब तक दोनों पक्षकार नहीं होते, ये सिविल कोर्ट के प्रोसीजर के तहत होता है। यहाँ केस रजिस्टर होगा और उनको नोटिस दी जाएगी, फिर सुनवाई होगी। अभी हमारे जो वकील हैं
वो उनको बेसिक जानकारी देंगे, यदि किसी की बेसिक समस्या है तो उसका समाधान के बारे में एडवाइस करेंगे, पर उसकी एडवाइस उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। एक अवेयरनेस कैंपेन है ये। क्या ये माना जाए किसी महिला को केस दर्ज करने के लिए महिला आयोग आने की जरूरत नहीं, वहाँ पर खुद के वैन पहुंचेगी, वहाँ पे समस्याएं दर्ज हो जाएंगी? हाँ, ये कर सकते हैं, क्योंकि हम शिकायत पेटी लगवा रहे हैं, उस शिकायत पेटी में जो भी आवेदन देंगे, और हमने इसमें एक व्हाट्सएप कॉल सेंटर नंबर भी दिया है और हमने एक QR कोड भी दिया है जो अभी कुछ दिन में पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और कोई भी व्यक्ति इस QR कोड और व्हाट्सएप नंबर को अपने पास सेव करके रखेगा तो उसे पूछना नहीं पड़ेगा कि आयोग कहाँ है, कहाँ जाएं, उसमें मेल ID और सारी डिटेल्स उसमें रहेंगी, तो लोगों के लिए बहुत आसान है।